Dear students, I am R.K. Rajan, founder of Desire Career Institute. So, students, today I am going to discuss a very important subject, management subject, code 17 code. So, most of the students, 17 code students, they people think that it will be very helpful if anyone gives some idea regarding management subject. So, that's why, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है. सो इफ योर पेपर सब्जेक्ट कोड 17 है, अगर आपका पेपर कोड 17 है तो आप इस वीडियो को वॉच करिए प्रॉपर वे से. अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप डिजायर कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करके आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव सम इम्पॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट. फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज एंड अप्रोच के बारे में, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स, फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. आफ्टर दैट दिया हुआ है सिलेबस में आपका कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स, डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक एंड टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन टाइप्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस. आफ्टर दैट डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट क्लासिफिकेशन एंड प्राइस डिटरमिनेशन, नेशनल इनकम कंसेप्ट टाइप्स एंड मेजरमेंट, इन्फ्लेशन कंसेप्ट टाइप्स एंड मेजरमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड CSR भी आपको पढ़ना है, एथिकल इशूज एंड डायलेमा, कॉरपोरेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द बेसिक टॉपिक विच इज गिवन इन यूनिट फर्स्ट. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पहले सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आपको नेट क्लिक करना है या JRF क्लिक करना है तो, ठीक है. तो ये जो भी हमने अभी बोला आपको, ये पहला यूनिट में आपका गिवन है, फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग इट्स गोल. या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्लियर. उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि मेन रोल मैनेजमेंट का क्या है. मैनेजमेंट का मेन रोल क्या है? द मेन रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज द अवेलेबल रिसोर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑप्टिमल मैनर. ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है जो कि आपको जानना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में. आफ्टर दैट सिलेबस में दिया हुआ है प्रोसेस के बारे में. सो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल दोज फंक्शंस दैट ट्रांसफर रिसोर्सेज सच एज मेन मनी, मटेरियल्स एंड सो ऑन इनटू प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स. इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिसोर्स आर यूज्ड इन सिस्टमेटिक मैनर टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर. उसके बाद अगर हम एम ऑफ मैनेजमेंट का बात करें, द एम ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है या पूछ सकता है. सो द एम ऑफ मैनेजमेंट बोले तो, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स रिसोर्सेज सच एज मेन, मनी, मटेरियल इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर. क्लियर. तो एम ऑफ द मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है. क्या क्या है? मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मेथड्स हो गया, मार्केटिंग हो गया और मैनेजमेंट हो गया. सेवन एम होता है मैनेजमेंट का, जो मैंने बोला अभी, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, मार्केटिंग और मैनेजमेंट. तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है. आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस क्यों प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द टास्क ऑफ द मैनेजर डज नॉट फिनिश विद द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देयर जॉब स्टार्ट्स अगेन विद द प्लानिंग. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट को? कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स. तीसरा, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, विच मीन्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंटीग्रेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल.
मैनेजमेंट इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, मैनेजमेंट को इंटरेक्टिव प्रोसेस भी हम लोग बोलते हैं, विच मीन्स टू और मोर फंक्शंस कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, इसलिए क्या बोला गया इसको इंटरेक्टिव प्रोसेस बोला गया है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, क्लियर। तो कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिसको आपको याद रखना है। आफ्टर दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम अप्रोच का बात करें, सो अप्रोच मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेज आर सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स द मैनेजर टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। अप्रोच का अगर हम बात करें मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला आता है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के बारे में अगर बात करें, तो क्लासिकल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय डेवलप्ड इन द पीरियड फ्रॉम 1880 टू 1920 टू 1920। इट वाज रिकमेंडेड दैट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द क्लासिकल अप्रोच पुट्स स्पेशल इम्फेसिस ऑन द डायरेक्शन और स्पेशल इम्फेसिस ऑन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड करेक्टिंग देम। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द क्लासिकल अप्रोच पुट्स स्पेशल इम्फेसिस ऑन, किस पे स्पेशल इम्फेसिस ऑन? डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड करेक्टिंग देम। थ्योरीज ऑफ क्लासिकल अप्रोच का अगर हम बात करें, तो ये तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन पार्ट्स होता है इसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्लियर। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सबसे पहला आता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर इन 1910 में एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया। ये बात आपको नेट के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, क्लियर। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू क्रिएट मेंटल रिवॉल्यूशन एट द वर्क प्लेस। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट द वर्कर शुड बी सिलेक्टेड ऑन साइंटिफिक बेसिस, which means on the basis of their qualification and training should be provided to them so that they can perform their duties in much efficient way. तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। After that, उसके बाद, according to this approach, all workers have different capabilities and must be paid compensated accordingly. The production system is based on piece rates. Piece rates के ऊपर बेस होता है। Time study and motion study is based on the amount of standard time required for completing a job. अगर हम time study का बात करें, तो आपको ध्यान रखना है, ये important है exam के point of view से. So time study क्या होता है? The main aim of time study is fixing the standard time for carrying out the job. Motion study का अगर हम बात करें, तो the main aim of motion study is to reduce the wastage of time and materials, scrapping unnecessary movements. Clear? उसके बाद आता है, आफ्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाई हेनरी फायल, आपने सुना होगा नाम, 1841 टू 1925, हु इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। फायल के हिसाब से हेनरी फायल मेनली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दैट कुड बी अप्लाइड टू जनरल एंड हायर मैनेजरियल लेवल्स। ही एम्फेसाइज्ड Fayol emphasized the principle that can be caused by the manager to coordinate the internal activities of the organization. He presented 14 principles. इन्होंने ही 14 principles को present किया, जो कि बहुत important है, और यहाँ से question पूछा जाता है आपके नेट में, तो ये भी point important है आपका। Fayol 14 principle कौन कौन सा है तो आपको याद रखना है। पहला है division of work, दूसरा है authority and responsibility, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, सातवां है रेमुनरेशन, आठवां है सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है स्केलर चेन, नौ टेंथ है ऑर्डर, एलेवेंथ जो है इक्विटी, और ट्वेल्थ जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और थर्टीन्थ है इनिशिएटिव, क्लियर। तो ये 14 प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, और 14 है स्पिरिट डी कॉर्प्स, है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के अंदर। उसके बाद अगर हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का बात करें, ब्यूरोक्रेटिक का बात करें, सो दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर इन 1900। वेबर स्टेट्स दैट अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर शुड बी नॉट बी बेस्ड ऑन करिश्मा। क्या कहा वेबर साहब ने, अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द करिश्मा, रैदर इट शुड बी एज पर द पोजिशन हेल्ड बाई द मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सम फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट
और इंक्लूड कुछ कुछ फीचर्स था। क्या फीचर्स है ब्यूरोक्रेटी का? डिवीजन ऑफ लेबर हो गया पहला फीचर, दूसरा हो गया मैनेजमेंट बाय स्टैंडर्ड रूल्स, तीसरा हो गया हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चौथा हो गया रिकॉर्ड ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट एंड रूल्स, पांचवा हो गया सिलेक्शन ऑफ पर्सनल हैविंग टेक्निकल स्किल्स। क्लियर? तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आया 1930 टू 1940। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बिटवीन 1930 टू 1940। और इस थ्योरी का मेन उद्देश्य क्या था? दिस थ्योरी वाज मेनली कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉई। न्यू क्लासिकल अप्रोच जो था इसका मेन उद्देश्य क्या था? दीज आर टू थ्योरीज, देर आर टू थ्योरीज दैट कम अंडर द न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर दो थ्योरी आया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियरल अप्रोच। आप लोग जब भी वीडियो को देखें आप लोग क्या करें, नोट डाउन कर ले कहीं पे मेन मेन पॉइंट, क्योंकि आई विल फोकस ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज डायरेक्टली कम इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो था इसके अंदर दो थ्योरी आता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल अप्रोच, दो अप्रोच। क्लियर? पहला जो आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये कब से कब, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1927 टू 1932। क्लियर? एज पर हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1924 एंड इट कंटिन्यूड थ्रू द अर्ली 1930। एज पर द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स डज नॉट मियरली डिपेंड अपॉन द मनी वेजेस पेड टू देम, बट इट हैवली डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर्स इन देयर वर्क एनवायरमेंट। द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो था चार पार्ट्स कंसिस्ट करता है ये, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा क्या क्या करता है ये, एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम, तीसरा इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, चौथा बैंक वायरिंग टेस्ट रूम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो है एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम, तीसरा है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, चौथा है बैंक वायरिंग टेस्ट रूम। क्लियर? सो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, यही चार पार्ट्स था आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगर हम बात करें बिहेवियरल अप्रोच का, सो अम्ब्राहन मास्लो, डुगलास एमसी ग्रीगर, रेंसिस लाइकर्ट, वैरन बेनिन एंड कर्ट लेविन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ सकता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है कि अम्ब्राहन मास्लो, डुगलास एमसी ग्रीगर, रेनिस लाइकर्ट, वैरन बेनिन एंड कर्ट लेविन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट। बिहेवियरल अप्रोच जो होता है इट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच है विच इंटीग्रेट्स द नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर? और इस अप्रोच का मेन फोकस क्या था? दिस अप्रोच इनकरेजेज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट सीक्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आया मॉडर्न अप्रोच। अगर हम मॉडर्न का बात करें, मॉडर्न अप्रोच इज डिवाइडेड इंटू थ्री क्वान्टिटेटिव अप्रोच। क्या क्या आया मॉडर्न अप्रोच के अंदर? तीन आया, क्वान्टिटेटिव अप्रोच, दूसरा आया सिस्टम अप्रोच, तीसरा आया कंटिजेंसी अप्रोच। क्वान्टिटेटिव अप्रोच जो था, द इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु इंगेजेस फॉर दिस पर्पज वॉज नोन एज द ऑपरेशन रिसर्च टीम बिकॉज देयर वर्क कंप्राइजेज एनालाइजिंग द ऑपरेशन एंड कैरिंग आउट अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च का जो मेन फोकस जो था, द टीम कंस्ट्रक्टेड ए मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमुलेट द प्रॉब्लम एंड फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग टू प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव टूल्स फॉर मेकिंग रेशनल डिसीजंस। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सिस्टम अप्रोच का अगर हम बात करें, सो सिस्टम अप्रोच जो था डेवलप्ड बाय जॉनसन इन 1950। किसने डेवलप किया इसको? 1950 में जॉनसन साहब ने डेवलप किए हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इंटू आउटपुट वाइल इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद द सिस्टम अप्रोच ऑफ कार्जो एंड यानोज इंक्लूड द टेक्निकल सब सिस्टम एंड पावर सब सिस्टम
सिस्टम थ्योरी रिप्लेसेस वर्टिकल रिलेशनशिप विद द लैटरल रिलेशनशिप. एवरी सिस्टम हैज सब सिस्टम दैट आर इंटर रिलेटेड विच ईच अदर एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम एज एन एंटिटी. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सब सिस्टम. क्या क्या सब सिस्टम था ये आपको याद रखना है सिस्टम अप्रोच के अंदर. पहला सब सिस्टम था टेक्निकल सब सिस्टम, दूसरा था सोशल सब सिस्टम और तीसरा था पावर सब सिस्टम. क्लियर? टेक्निकल सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम एंड पावर सब सिस्टम. क्लियर? टेक्निकल सब सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक जॉब विच इंक्लूड्स द टेक्निक्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इंटू आउटपुट. क्लियर? सोशल सब सिस्टम का मतलब क्या था? द सोशल सब सिस्टम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप इंट्रैक्शन इन इंट्रैक्शन. पावर सब सिस्टम का मतलब क्या था? पीपुल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इलेबोरेट देयर बिहेवियर थ्रू द पावर ऑफ पावर रिलेशनशिप. आफ्टर दैट कंटिजेंसी अप्रोच आया. दिस अप्रोच वॉज गिवेन बाई लार्स एंड लॉरेंस इन 1970. आपको साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ से पूछा जा सकता है कंटिजेंसी अप्रोच के बारे में. ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस स्कूल्स आर नॉट जनरली एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस. द मेन टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई विच टेक्निक इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स बेस्ट टू द अटेनमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल्स. क्लियर? तो अभी यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में, और कहा कि नियो क्लासिकल अप्रोच जो था दो थ्योरी को दिया, एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और एक बिहेवियरल अप्रोच. क्लियर? उसके बाद आया मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच. ठीक है? सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होता है किसके लिए होता है? ये ऑपरेशंस रिसर्च भी बोलते हैं इसको. और सिस्टम अप्रोच जो था इसके अंदर तीन सब सिस्टम आया. पहला आया टेक्निकल सब सिस्टम, दूसरा सब सोशल सब सिस्टम और तीसरा पावर सब सिस्टम. क्लियर? उसके बाद आया कंटिजेंसी अप्रोच. कंटिजेंसी अप्रोच को किसने दिया था? गिवन बाई लार्स एंड लॉरेंस इन 1970. ठीक है? और इस अप्रोच का मेन उद्देश्य क्या था? कंटिजेंसी अप्रोच का मेन उद्देश्य क्या था? मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस स्कूल्स आर नॉट जनरली एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस. द मेन टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई विच टेक्निक इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स बेस्ट टू द अटेनमेंट ऑफ द मैनेजमेंट गोल्स. क्लियर? उसके बाद टॉपिक दिया हुआ है मैनेजमेंट स्किल्स एंड रोल्स के बारे में. आपके सिलेबस में टॉपिक है मैनेजमेंट स्किल्स एंड रोल्स के बारे में दिया हुआ है. तो अगर हम मैनेजरियल स्किल्स का अगर हम बात करें, मैनेजमेंट स्किल्स का बात करें, तो कौन कौन से स्किल्स होता है? टेक्निकल स्किल होता है, ह्यूमन स्किल होता है, कॉन्सेप्ट स्किल्स होता है और डिजाइन स्किल्स होता है. कौन कौन होता है? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्ट स्किल और डिजाइन स्किल. क्लियर? टेक्निकल स्किल क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग इन ए स्पेशलाइज्ड फील्ड. ह्यूमन स्किल क्या होता है? ह्यूमन स्किल्स आर रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद अदर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड इफेक्टिव वर्क टीम. कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. इट हेल्प्स द मैनेजर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड एनालाइज द एनवायरमेंट. और चौथा होता है डिजाइन स्किल्स. दीज स्किल्स आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलते हैं. क्लियर? उसके बाद आता है मैनेजमेंट रोल्स. तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. मैनेजमेंट रोल्स क्या क्या होता है? इंटरपर्सनल रोल होता है, दूसरा इंफॉर्मेशनल रोल होता है, इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशनल रोल होता है और तीसरा होता है डिसीजनल रोल्स होता है. ठीक है? अगर हम इंटरपर्सनल रोल्स का बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? फिगर हेड आएगा, लीडर आएगा, लायसन आएगा. और इंफॉर्मेशनल रोल का अगर हम बात करें तो इसमें आएगा मॉनिटर आएगा, डिसेमिनेटर आएगा और स्पोक्स पर्सन आएगा. डिसीजनल रोल्स का अगर हम बात करें तो इसमें आएगा इंटरप्रेनर आएगा, डिस्टर्बेंसेस हैंडलर रोल आएगा, रिसोर्स एलोकेटर रोल आएगा और नेगोशिएटर रोल आएगा. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है. इंटरपर्सनल रोल के अंदर सबसे पहला आता है, मैनेजमेंट रोल के अंदर सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल रोल आता है. और इंटरपर्सनल रोल के अंदर इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या होता है? इट लिंक्स ऑल मैनेजरियल वर्क टुगेदर, इंटरपर्सनल जिसको बोलते हैं. ठीक है? इसमें सबसे पहला आता है फिगर हेड. फिगर हेड का मतलब क्या है यहाँ पे? इन द फिगर हेड रोल द मैनेजर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ फॉर्मेलिटी. अंडर दिस रोल द सुपरवाइजर रिप्रेजेंट्स द वर्क ग्रुप टू द टॉप मैनेजमेंट एंड द टॉप मैनेजमेंट टू द वर्क ग्रुप.
ठीक है। उसके बाद आता है लीडर। लीडर का मतलब क्या है यहाँ पे, द लीडर रोल डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजर। लेसन का मतलब क्या है, इन द लेसन रोल द मैनेजर इंटरेक्ट विद पीपुल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रोल इज यूज बाई टॉप लेवल मैनेजर टू गेन इंफॉर्मेशन एंड यूज बाई सुपरवाइजर टू मेंटेन द डेली रूटीन फ्लो ऑफ वर्क। क्लियर। तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर तीन चीज आता है, फिगर हेड आता है, लीडर आता है, लेसन आता है, याद रखना है आपको, यहां से भी नेट के अंदर पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशनल रोल्स का अगर हम बात करें तो इसमें मॉनिटर आता है, और क्या आएगा, डिसेमिनेटर आएगा और स्पोक्स पर्सन आएगा। मॉनिटर का मतलब क्या है यहाँ पे, इन द मॉनिटर रोल द मैनेजर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है, इन द डिसेमिनेटर रोल द मैनेजर ट्रांसमिट स्पेशल इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पीपल आउटसाइड द इंटरप्राइज। क्लियर। स्पोक्स पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे, अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशनल रोल द टॉप लेवल मैनेजर इज सीन एज द इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड द सुपरवाइजर इज कंसिडर्ड द डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट। उसके बाद आता है डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स के अंदर सबसे पहला आता है इंटरप्रेन्योर, दूसरा आता है डिस्टर्बेंसेस हैंडलर रोल आता है, और तीसरा आता है रिसोर्स एलोकेटर रोल, और चौथा नेगोशिएटर रोल। सो इंटरप्रेन्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेन्योर, इन इंटरप्रेन्योर रोल द मैनेजर इनिशिएट चेंज, आइडेंटिफाइज फ्यू आइडिया न्यू प्रोजेक्ट्स एंड डेलीगेट्स द आइडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। क्लियर। डिस्टर्बेंसेस हैंडलर रोल का मतलब क्या है यहाँ पे, अंडर दिस रोल द मैनेजर मेनली डील्स विद द थ्रेट्स टू द इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर रिजॉल्व्स कंफ्लिक्ट एंड अडॉप्ट टू एन एनवायरमेंटल क्राइसिस। रिसोर्स एलोकेटर रोल का मतलब क्या है, अंडर दिस डिसीजनल रोल द मैनेजर मेक्स डिसीजन अबाउट द बजट प्रायोरिटीज एंड चूज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई इट्स इफेक्ट्स। नेगोशिएटर रोल का यहाँ पे मतलब क्या है, इन द नेगोशिएटर रोल द मैनेजर नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेयर द टॉप लेवल मैनेजर मेक्स डिसीजन फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज द सुपरवाइजर मेक्स डिसीजन अबाउट हिज ऑन पार्टिकुलर यूनिट। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो इसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, यही मेन फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सब लोग जानते हैं इसके बारे में, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं डिटेल्स देंगे, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है यहाँ पे डील्स विद द टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड इट इज ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। क्लियर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली ए फ्रेमवर्क विद इन विच एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड, जहाँ पे एफर्ट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर। उसके बाद देयर आर सम स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच मैनेजर्स परफॉर्म द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या स्टेप्स होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा होता है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज, तीसरा होता है क्लासिफाइंग द अथॉरिटी, चौथा होता है कोऑर्डिनेशन, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय टू फिल द रोल्स असाइन टू द वर्कफोर्स। स्टाफिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके नेट के एग्जाम्स में। सो स्टाफिंग का मेन पर्पस पूछेगा अगर, तो याद रखना है आपको, द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू प्लेस द राइट मैन एट द राइट जॉब, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। सो स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एज एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट इन स्किल्स, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन,
स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि क्या क्या स्टाफिंग का क्या क्या स्टेप हो सकता है, तो याद रखना है आपको, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, अप्रेजल हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ये सब क्या है, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभावना है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है इट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एफर्ट टू प्रोवाइड ए यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाइज द ग्रुप एफर्ट्स। जहां पे भी कोऑर्डिनेटिंग आएगा, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, दिस कंसेप्ट ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। ये किसको अप्लाइज करेगा, ग्रुप एफर्ट को अप्लाइज करेगा, क्लियर। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अच्छी बात क्या है, यही बात है याद रखना है आपको, कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन किस में हेल्प करेगा, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको जस्ट याद रखना है, क्लियर। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग इज समवेयर रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ऑफ नो मीनिंग एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज यूजलेस। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं द कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज ए टूल दैट असिस्ट इन फाइंडिंग हाउ एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बात समझाना, तो यहाँ पे याद रखना है कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज ए टूल दैट असिस्ट इन फाइंडिंग हाउ एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, द कॉज ऑफ डेविएशन एंड देन टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, क्लियर। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। देयर आर सम अदर फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ और भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के प्रोसेस में, जैसे कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेटिंग और मोटिवेटिंग हो गया, ये कुछ अलग फंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हेल्प टू इंटीग्रेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एज इट एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मोटिवेशन का मतलब है यहाँ पे इट रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। द मेन फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज टू इनकरेज एंड इंस्पायर द इंडिविजुअल टू वर्क इन मोर एफिशिएंट मैनर विद द हेल्प ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव, क्लियर। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टॉपिक, आपके नेट सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक एक सिलेबस को हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो बार बार आप इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हजारों वीडियो आपको विद स्लाइड के थ्रू मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बातें बोलूँ, इन ऑर्डर टू यू पीपल टेक मोर बेनिफिट फॉर अपकमिंग रिसेंट एग्जाम, क्लियर। कम्युनिकेशन टॉपिक आपके एग्जाम्स में दिया हुआ है। सो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंड फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आपको देख लेना है, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, लैटरल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है और ग्रेपवाइन क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में पूछेगा तो इन्हीं पॉइंटों से पूछेगा, कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, क्लियर। अब देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें, सो इंटरनल कम्युनिकेशन इंटेंड्स टू एडुकेट, इन्फॉर्म एंड कंट्रोल पर्सन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का बात करें सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे नोटिस हो गया, टेलीफोन कॉल्स हो गया, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये सब किसका है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, याद रखना है। अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हो गया, फीडबैक हो गया ऑन न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, क्लियर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, कम्युनिकेशन आर मोटिवेशनल लेटर्स हो गया, कॉर्पोरेट गोल्स हो गया, ये सब क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन आर कॉन्फ्रेंसेस, रिव्यू, मीटिंग्स एक्सेट्रा।
टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप्स होता है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे पहला टाइप जो होता है व्हील होता है, दूसरा सर्कुलर होता है, तीसरा सिंगल चेन होता है, चौथा फ्री फ्लो होता है और पांचवा इन्वर्टेड वी होता है। क्लियर? तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए नो नीड टू गो डीपली। व्हील याद रखना है क्या क्या टाइप्स होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, तो व्हील होगा, सर्कुलर होगा, सिंगल चेन होगा, फ्री फ्लो होगा, इन्वर्टेड वी होगा। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, लैटरल कम्युनिकेशन आता है। लैटरल का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसीड्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर एट द पीयर लेवल, ठीक है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन आता है, मास कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन आता है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट आपको पॉइंट्स याद रखने से काम बन जाएगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, इनकोडिंग हो गया, चैनल हो गया, डिकोडिंग हो गया, रिसीवर हो गया, फीडबैक हो गया, ये सब क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो बैरियर्स के अंदर बात हम करें, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें, सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन नीड्स टू ओवरकम द बैरियर। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन नीड्स टू ओवरकम द बैरियर, सबसे पहले हम लोगों को क्या होना होगा, ओवरकम द बैरियर होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और तीसरा बैरियर्स क्या आएगा, फिजिकल बैरियर्स हो गया, तीसरा बैरियर्स आएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और चौथा लिंग्विस्टिक बैरियर, पांचवा मैकेनिकल बैरियर्स। तो आपको यही पांच बैरियर्स को याद में रखना है, ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दूसरा होता है फिजिकल बैरियर्स, तीसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, चौथा होता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स और पांचवा होता है मैकेनिकल बैरियर्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का बात करें तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आता है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, हायरार्कियल पोजीशन हो गया, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो गया। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर आ गया। फिजिकल बैरियर्स का अगर हम बात करें तो इसमें आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल्थ इशू, ये सब किसके अंदर आएगा, फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होता है, दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑफ द रिसेप्टर ऑफ द मैसेज, दैट इज सेल्फ इमेज, परसेप्शन, कॉग्निटिव डिसोनेंस, फिल्टरिंग, एटीट्यूड एक्सेट्रा। लिंग्विस्टिक बैरियर्स के अंदर क्या क्या आएगा, यूज ऑफ जार्गन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। लिंग्विस्टिक बैरियर के अंदर दो चीज आएगा, यूज ऑफ जार्गन और लैक ऑफ क्लैरिटी। यूज ऑफ जार्गन का मतलब है द टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड जार्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं, इट माइट बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ पर्सन। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इफ देयर इज ए लैक ऑफ क्लैरिटी इन स्पीच इट लीड्स टू कम्युनिकेशन बैरियर। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी क्लैरिटी इन लैंग्वेज वाइल कन्वेइंग ए मैसेज। उसके बाद आता है मैकेनिकल बैरियर्स, दीज बैरियर्स आर टेक्निकल सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ बैरियर्स अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। दीज आर वेरियस कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग परपेचुअल बायस, कल्चरल डिफरेंसेस, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिकल बैरियर्स का। उसके बाद दिया हुआ है सिलेबस में आपका डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट के बारे में दिया हुआ है। सो डिसीजन मेकिंग किसको हम लोग बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स बाय चूजिंग ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, नथिंग कैन बी परफॉर्म विदाउट टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग आपसे अगर पूछेगा तो याद रखना है क्या क्या होगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स हो गया, अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो गया, परवेसिव फंक्शन हो गया और एम्प्लॉई मोटिवेशन हो गया। सो क्लियर? सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर नेट में पूछेगा आपके एग्जाम्स में तो याद रखना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, परवेसिव फंक्शन और एम्प्लॉई मोटिवेशन। क्लियर? उसके बाद टॉपिक दिया हुआ है आपके नेट इसमें प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग सिलेबस में गिवन है,
यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो केवल प्रोसेस में बोल रहा हूँ, आप याद नोट डाउन कर लेंगे। पहला प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ डिसीजन, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स, तीसरा होता है जजिंग अल्टरनेटिव्स, चौथा होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग, पांचवा होता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, छठा होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, सेवेंथ होता है एग्जीक्यूशन, एट होता है वैल्यूएशन ऑफ द रूल्स। क्लियर? तो यहाँ पे एट प्रोसेस दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग का, जो कि आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ डिसीजन, दूसरा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तीसरा है जजिंग अल्टरनेटिव्स, चौथा है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग, पांचवा है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, छठा है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेवेंथ है एग्जीक्यूशन और एट्थ है वैल्यूएशन ऑफ द रूल्स। क्लियर? उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या टेक्निक हो सकता है। सो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है यहाँ से। डिसीजन मैट्रिक्स सबसे पहला टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर आता है डिसीजन मैट्रिक्स, दूसरा आता है डिसीजन ट्री, तीसरा आता है टी चार्ट, चौथा आता है पैरेटो एनालिसिस, पांचवा आता है स्वॉट एनालिसिस, छठा आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सातवां आता है पेस्ट एनालिसिस और आठवां आता है मल्टी वोटिंग। क्लियर? तो ये एट पॉइंट इसके अंदर भी है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिसीजन मैट्रिक्स हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, टी चार्ट हो गया, पैरेटो एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस और मल्टी वोटिंग हो गया। क्लियर? एट पॉइंट हो गया। डिसीजन मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिसीजन मैट्रिक्स क्या है, दिस टेक्निक इज यूज टू इवेल्युएट ऑल द ऑप्शंस ऑफ डिसीजन वाइल यूजिंग द डिसीजन मैट्रिक्स, मेक अ टेबल विद ऑल ऑप्शंस इन द फर्स्ट कॉलम एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिसीजन इन द फर्स्ट रो, देन गिव ए स्कोर टू ईच ऑप्शन एंड वेटेज अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस। क्लियर? डिसीजन ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज ए मॉडल दैट इन्वॉल्व कंटेम्पलेटिंग ईच ऑप्शन एज वेल एज द आउटकम। टी चार्ट क्या है यहाँ पे, दिस चार्ट इंश्योर दैट ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्शंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग ए डिसीजन। पैरेटो एनालिसिस क्या है, दिस डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए नीड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट मींस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स बोलते हैं, दिस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज मेनली यूज व्हेन वेकिंग द फाइनेंशियल रेमिफिकेशन ऑफ ईच पॉसिबल अल्टरनेटिव दैट मेक द मोस्ट सेंस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पेस्ट एनालिसिस क्या है, पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इट कंसिडर्स द प्रेजेंट ट्रेंड्स टू हेल्प द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर वंस। मल्टी वोटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टी वोटिंग का मतलब होता है व्हेन देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग देन दिस मेथड इज यूज फॉर एन इवेंचुअल फाइनल डिसीजन, दिस मेथड हेल्प्स टू विटल डाउन ए लार्ज लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू ए स्मॉलर वन। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन टाइप्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पहला होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है मैट्रिक स्ट्रक्चर, विच आर एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है मैट्रिक स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेन बेनिफिट क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। क्लियर? तो डिविजनल स्ट्रक्चर, द मेन बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दैट द नीड्स कैन बी मेट क्विकली। क्लियर? बट दिस स्ट्रक्चर इज कॉस्टली बिकॉज इट्स साइज, ये स्ट्रक्चर जो होता है कॉस्टली होता है इसके साइज के हिसाब से। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स वेरी वेल फॉर ए स्मॉल स्केल बिजनेस इन विच ईच डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिलाइज डिपेंड ऑन द टैलेंट्स ऑफ इट्स वर्कर। क्लियर? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है, यूज इन लार्ज एमएनसी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एंड इट इज जनरली यूज इन लार्ज एमएनसी। जनरली कहाँ पे यूज होता है, लार्ज एमएनसी में
यूज होता है. दिस स्ट्रक्चर इज हाईली फ्लेक्सिबल एज रिगार्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीड्योर एंड सो ऑन. बट द वन मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दैट देयर इज मोर देन वन सुपीरियर फॉर ईच वर्कर विच कॉजेज कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन अमंग देम. क्लियर. अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कुछ और भी टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. विच ऑल्सो नोन एज द स्केलर मिलिट्री और डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी मीन बाई विच ए बैड वर्कर मे बी पनिश्ड एंड ए गुड वन बी गुड वन अवार्डेड. क्लियर. तो यही इसका ड्रॉबैक है. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द स्टाफ हेल्प्स द लाइन मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज सो दैट दे कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस. क्लियर. डिविजन्स ऑफ स्टाफ का अगर हम बात करें, सो हियर डिसीजन्स कैन बी इजिली टेकन बिकॉज इट कंप्राइजेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन. बट समटाइम्स कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन मे अराइज बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ बिकॉज एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी. किसके लिए ऐसा होता है, कन्फ्यूजन होता है लाइन और स्टाफ के बीच, बिकॉज एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट क्लियर. दोनों का एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नॉट क्लियर. द स्टाफ आर ऑल्सो अनेबल टू कैरी आउट इट्स रिकमेंडेशन और प्लान. डिविजन ऑफ स्टाफ का अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग होता है, पर्सनल स्टाफ होता है, स्पेशलाइज स्टाफ होता है और जनरल स्टाफ होता है. डिवीजन ऑफ स्टाफ का बात करें तो कौन तीन तरह का होता है, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज स्टाफ और जनरल स्टाफ. क्लियर. उसके बाद नेटवर्क स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसको याद रखना है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. उसके बाद कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अथॉरिटी हो गया. अथॉरिटी का मतलब क्या है, इट इज द पावर असाइन टू ए मैनेजर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी ए मैनेजर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली. इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अथॉरिटी. अथॉरिटी जनरली फ्लोज डाउनवर्ड, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्लियर. अथॉरिटी के बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द ड्यूटी डिजाइन टू ए पोजिशन सबऑर्डिनेट्स पर द गाइडलाइन इशूड. इन अदर वर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू एज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क डिजाइन टू वर्कर्स सबऑर्डिनेट्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. द पर्सन हु एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन ड्यूटी. इट जनरली फ्लोज अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इन द एंड वी कैन से दैट देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पैरिटी होना चाहिए. ठीक है. और कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे सेंट्रलाइजेशन है. सेंट्रलाइजेशन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पूछ सकता है आपसे. तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इन ए फ्यू हैंड्स. हियर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सच एज द हेड ऑफिस एंड सो ऑन. इट ऑफर्स बेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट एक्टिविटीज. डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम बात करें, सो इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर. डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. इन डिसेंट्रलाइजेशन द वर्कर्स गेट ए चांस टू डिसाइड इंडिपेंडेंटली विच डेवलप्स कैपेबिलिटी एंड इंक्रीज देयर मोरल. देर आर मेनी एडवांटेजेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विच इंक्लूड रिलीविंग फ्रॉम बर्डन, ग्रेटर ऑटोनोमी, इजी ऑफ एक्सपांसन, क्विक डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. क्लियर. उसके बाद एक टर्म आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे, द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज ए मैनेजर कैन सर्वाइव एट द टाइम एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. इट लीड्स टू ए फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट. क्लियर. उसके बाद डायमेंशंस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल का अगर हम बात करें तो दो तरह का डायमेंशन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और दूसरा होता है वर्टिकल डायमेंशन.
हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डायरेक्ट सबॉर्डिनेट मैनेजर एक्चुअली सुपरवाइजेस, और वर्टिकल डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स इनडायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय ए मैनेजर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स कंसेप्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टॉपिक दिया हुआ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में कंसेप्ट के बारे में आपको जानना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मेक्स द यूज ऑफ टूल एंड टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जैसे स्पेंसर एंड सिंगल मैन इकोनॉमिक्स भी डिफाइंड किया, इन्होंने कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाई मैनेजमेंट, क्लियर। तो ये सब इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से, तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या पहला इंपॉर्टेंस है, हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग मैनेजरियल पॉलिसीज। मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग मैनेजरियल पॉलिसीज, रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हेल्पफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिजनेस टैक्सेशन, मेजरिंग द फार्म एफिशिएंसी, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल फोर्सेस, क्लियर। और लास्ट में है सिस्टमाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में अगर पूछेगा, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग मैनेजरियल पॉलिसीज, दूसरा है रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तीसरा है हेल्पफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है कंप्यूटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पांचवा है रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिजनेस टैक्सेशन, छठा है मेजरिंग द फार्म एफिशिएंसी, सातवां है मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, आठवां है आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल फोर्सेस, और नाइन्थ है सिस्टमेटाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस, क्लियर। तो ये नाइन्थ पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद डिमांड एनालिसिस के बारे में दिया हुआ है। सो फ्रेंड डिमांड डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्लियर। डिमांड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, किसके बेसिस पे डिमांड को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दूसरा होता है लॉन्ग रन डिमांड एंड शॉर्ट रन डिमांड, तीसरा होता है डिराइव्ड डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड, चौथा होता है प्राइस डिमांड, पांचवा होता है इनकम डिमांड, और छठा होता है क्रॉस डिमांड। याद रखना है कि डिमांड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, किसके बेस पे क्लासिफाइड होता है, पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दूसरा होता है लॉन्ग रन डिमांड एंड शॉर्ट रन डिमांड, तीसरा होता है डिराइव्ड डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड, चौथा होता है प्राइस डिमांड, पांचवा होता है इनकम डिमांड, और छठा होता है क्रॉस डिमांड। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वालिटी डिमांडेड, क्लियर। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कुछ एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। पहला एजम्पशन है देयर शुड नॉट एनी चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा है द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शुड बी द सेम, तीसरा है द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड बी नॉट चेंज, क्लियर। उसके बाद एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कुछ एक्सेप्शंस है जहां से क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबलेन गुड्स के बारे में अगर पूछेगा आपसे, बेबलेन गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, लग्जरी गुड्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डायमंड, क्लियर। गिफेन गुड्स किसको बोलेंगे हम लोग, इन्फेरियर क्वालिटी गुड्स होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाजरा, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, क्लियर। तो ये एक्सेप्शंस था कुछ लॉ ऑफ डिमांड का, वेवलेंथ गुड्स था, गिफेन गुड्स था, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, सिलेबस में दिया हुआ है। सो यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन दैट ए कस्टमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस, यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर कस्टमर गेट्स फ्रॉम द कंज्यूमर ए गुड और सर्विस।
Desired satisfying power of a commodity is referred to as utility. Utility is subjective and relative. Utility कैसा होता है? Subjective भी हो सकता है और relative भी हो सकता है. कुछ definition दिया हुआ है utility का, जैसे total utility आपको क्या क्या याद रखना है exam के point of view से. Total utility क्या है, marginal utility क्या है, हैं? Relationship between total and marginal utility के बीच का relationship क्या बोलता है. Clear? Total utility हैं? क्या है यहाँ पे, इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द अमाउंट ऑफ जनरेटेड यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सप्लिसिटली मेजर्ड. टोटल यूटिलिटी इज द टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. मार्जिनल का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द चेंज इन द यूटिलिटी फ्रॉम एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस. When the consumption of additional unit increases, the total utility leads to positive marginal utility and vice versa. Clear? Relation between total and marginal utility के बीच का दोनों का relation का अगर हम बात करें, relationship का बात करें, तो when total utility rises, the marginal utility get diminished. ठीक है, तो ये भी point आपको ध्यान में रखना है. Relationship यहाँ से question आ सकता है आपके exams में. उसके बाद law of diminishing marginal utility. यहाँ ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ स्टेट्स दैट एज ए पर्सन कंज्यूम्स एन आइटम द सेटिस्फेक्शन दैट दे डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट वेयर एज दे कंज्यूम मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे, एन इंडिविजुअल बाइज ए सर्टेन टाइप ऑफ स्नैक्स फॉर ए वाइल, सून ही मे बाई लेस और चूज अनदर टाइप ऑफ स्नैक्स instead because the satisfaction he was initially getting from that snack starts diminishing. ठीक है, तो law of diminishing marginal utility का मतलब क्या है, as a person consume an item the satisfaction that they derive from the product whereas they consume more of that product. Clear? Indifference curve के बारे में भी आपके exams में पूछ सकता है, दिया हुआ है indifference curve. तो ये सब तो graphical कुछ कुछ data है जो कि बाद में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको बोर्ड के थ्रू, बोर्ड चाहिए. इंडिफरेंस शेड्यूल अजम्पशन ये सब भी पूछ सकता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आपसे पूछ सकता है कि क्या है. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट टू चेंज इट्स प्राइस एंड कंज्यूमर इनकम. वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी then quantity demanded also get changed. This change in quantity demanded is known as elasticity of demand. There are many factors which affect the elasticity of demand in large way, such as the amount of money spent, necessity, the existence of substitutes, nature of commodity, etc. Clear? उसके बाद याद रखना है आपको कि measurement of price elasticity of demand कैसे हम लोग measure कर सकते हैं, total expenditure methods के through. प्रोपोर्शनेट मेथड कौन कौन से मेथड होता है यहाँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड होता है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है, और लास्ट में रेवेन्यू मेथड होता है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ऐसे हम बाद में ये सब टॉपिक अच्छे से बोर्ड के थ्रू आपको समझाएंगे. इन डिफरेंस कर्व के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जस्ट एक आउटलेट तैयार करके दिया है इस लेक्चर में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके. डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में क्लियर, तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है. डिमांड फोरकास्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इन द फ्यूचर. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन. Accurate demand forecasting is needed by the firm to enable it to the produce manufacture the required quantity of a particular commodity at the right time. Demand forecasting helps. ये आपसे पूछ सकता है कि demand forecasting जो है कहाँ पे help करता है, तो demand forecasting helps the firm to estimate the demand for a product and plan its production accordingly. It reduces the risk related to business activities and takes efficient decisions. Good forecasting always help in better planning रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये बात अच्छी है, याद रखना है आपको. गुड फॉरकास्टिंग जो होता है हमेशा हेल्प इन बेटर प्लानिंग रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्लियर, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में इम्पॉर्टेंस अगर पूछेगा आपको तो याद रखना है, पहला है प्रिपेयरिंग बजट,
फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, दूसरा है, तीसरा है डिटरमाइनिंग द सेल्स टेरिटरीज, चौथा है डिसाइडिंग द प्रमोशनल मिक्स, पांचवा है असिस्ट इन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, छठा है टेक मैनेजमेंट डिसीजन। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, इकोनॉमी एंड टाइम रिक्वायर्ड। याद रखना है आपको कि टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दो थिंग्स पे बेस्ड होता है, इकोनॉमी और टाइम पीरियड। बेस्ड ऑन इकोनॉमी, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग दैट आर बेस्ड ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी के बेस्ड पे तीन फोरकास्टिंग होता है, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, फार्म लेवल फोरकास्टिंग और माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग। क्लियर? इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग जो होता है इट डील्स विद द डिमांड फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट एज ए होल। फार्म लेवल फोरकास्टिंग जो होता है इट डील्स विद द फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द फार्म। तीसरा माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग जो होता है, माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील्स विद द इकोनॉमी एनवायरमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए मेजर्ड बाय नेशनल इनकम लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बेस पे अगर हम देखें फोरकास्टिंग में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज जनरली डन इन 6 months टू मैक्सिमम ऑफ 1 year। दिस फोरकास्टिंग इज नॉर्मली यूजफुल फॉर द टैक्टिकल डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इज डन फॉर ए पीरियड ऑफ 2-5 years और मोर। इट इज यूजफुल फॉर द मेजर डिसीजन ऑफ द फार्म। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फोरकास्टिंग, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड फोरकास्टिंग का। टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, कंपटीशन लेवल हो गया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, टेक्नोलॉजी लेवल हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, फैक्टर्स के अंदर आएगा जो इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड फोरकास्टिंग को। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के अगर बारे में बात पूछेगा तो भी याद रखना है आपको क्या क्या स्टेप्स होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइन द टाइम पीरियड, सेलेक्ट द मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कलेक्टिंग डेटा, एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट। क्लियर? तो ये सब क्या है, स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग है। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेट में पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन और फिर से पूछा जा सकता है आपसे। जैसे डेल्फी मेथड हो गया, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड हो गया, ओपिनियन सर्वे मेथड हो गया, ट्रेंड एनालिसिस मेथड हो गया। क्लियर? मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहला आता है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाई ओलाफ हैमर, डॉल्की एंड गॉर्डन। इन दिस मेथड एन अटेम्प्ट इज मेड टू अराइव एट कंसेंसस बाई क्वेश्चनिंग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट अंटिल द रिस्पॉन्सेस अपीयर टू कन्वर्ज अलॉन्ग ए सिंगल लाइन। क्लियर? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड क्या है, इन दिस मेथड द सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स इन द डिफाइंड टेरिटरीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द फोरकास्ट इन द कलेक्टिंग ओपिनियन मेथड इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ ए सेल्समैन एंड इट इज अज्यूम दैट द सेल्समैन हैज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स। ठीक है? उसके बाद है ओपिनियन सर्वे मेथड। इन दिस मेथड बायर्स आर आस्क्ड टू रिवील देयर बाइंग इंटेंशन इन द अपकमिंग फ्यूचर। दिस मेथड इज मेनली सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिमांड फोरकास्टिंग। चौथा है ट्रेंड एनालिसिस मेथड। इन दिस मेथड फ्यूचर सेल्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट शोइंग ए हिस्ट्री ऑफ स्टेबल डिमांड। क्लियर? उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट क्या होता है यहाँ पे, मार्केट इज ए मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट्स द बायर एंड सेलर्स टू मीट फॉर द सेल एंड परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, अगर हम मार्केट का क्लासिफाई करें तो क्या क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और ओलिगोपोली होता है। ठीक है? तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है यहाँ पे, परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फर्गसन के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन डिस्क्राइब ए मार्केट इन विच देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स। यही बात आपको ध्यान में रखना है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है, तो सबसे बड़ा फीचर्स क्या हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन का, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बोले तो सबसे पहला फीचर होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा होगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तीसरा होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, चौथा होगा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पांचवा होगा परफेक्ट नॉलेज और छठा होगा नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद आता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू एमसी कोनल,
प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन द सिंगल फार्म इज सोल प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्ट फॉर विच देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर। फीचर्स ऑफ मोनोपोली का अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है बैरियर्स टू एंट्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, प्राइस मेकर, प्राइस मार्कर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हायर प्राइसेस, सिंगल सेलर एंड लार्जर बायर्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फीचर्स ऑफ मोनोपोली अगर पूछेगा एग्जाम में तो आपको याद रखना है, बैरियर्स टू एंट्री पहला होता है, दूसरा होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तीसरा होता है प्राइस मार्कर मेकर, चौथा होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पांचवा होता है हायर प्राइसेस, और छठा होता है सिंगल सेलर एंड लार्जर बायर। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसको हम बोलेंगे? द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टेटेड बाय ईएच चैम्बरलिन इज मोर रियलिस्टिक देन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इट इज ए मिक्सर ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, दोनों का मिक्सर है ये मोनोपोलिस्टिक। देयर इज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन but their product is differentiated somewhere in shape, color, quality, etc. Clear? उसके बाद features of monopolistic competition का अगर हम बात करें, यहाँ से question आपके exams में पूछा जा सकता है, features of monopolistic competition, तो याद रखना है large number of buyers and sellers, दूसरा product differentiation, तीसरा free entry and exist, चौथा lack of perfect knowledge, और पांचवा selling cost. उसके बाद आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ए फ्यू सेलर हु सेल डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस प्रोडक्ट। हियर फ्यू सेलर्स डोमिनेट द मार्केट एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। द डिमांड कर्व इन एन ओलिगोपोली इज मोर इलास्टिक देन मोनोपोली एंड एवरी सेलर कैन एक्सरसाइज एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ हिज राइवल। क्लियर। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, क्या क्या फीचर्स हो सकता है? इंटरडिपेंडेंट एमंग सेलर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस आउटपुट पॉलिसीज, दूसरा फ्यू सेलर्स हु डोमिनेट द मार्केट, तीसरा एवरी सेलर कीप्स एन आई ऑन हिज राइवल एंड इज रेडी टू विथ काउंटर अटैक, चौथा देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अंडर द ओलिगोपोली मार्केट, पांचवा देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरिंग इन टू द इंडस्ट्री बट द फार्म कैन इजली एग्जिस्ट द इंडस्ट्री। क्लियर। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट आता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो क्या क्या, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा, केवल मेन मेन पॉइंट हम बोलेंगे क्योंकि इसके लिए बोर्ड चाहिए, ठीक है, बाद में हम अच्छे से इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा, पहला फैक्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस ऑफ पेरिसेबल गुड्स, तीसरा है मार्केट प्राइस ऑफ नॉन पेरिसेबल गुड्स, चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन प्राइस, पांचवा है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली कब होगा ये, व्हेन ही और सी गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, व्हेन ही अब्लिक सी अर्न्स एन एब्नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा व्हेन ही अब्लिक सी सफर लॉसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन ए लॉन्ग पीरियड। क्लियर। तो ये सब पॉइंट जो है इसको बाद में फिर से हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या क्या मॉडल्स है जो आपको ध्यान रखना है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या क्या है यहाँ पे, जैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हो गया, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ, एक होता है याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछा जा सकता है, कोलोसिव ओलिगोपोली क्या है, कोलोसिव COLLUSIV कोलोसिव ओलिगोपोली, इट इज दैट form of the market where few firms make a mutual agreement to avoid competition. याद रखना है इसको, collusive oligopoly क्या होता है, it is that form of the market where when few firms make a mutual agreement to avoid competition. Models of price determination का अगर हम बात करें तो kinked demand curve होता है और collusion model आता है, तो यहाँ से भी question आपके exams में पूछा जा सकता है। फ्रेंड उसके बाद national income दिया हुआ है आपके syllabus में, नेशनल इनकम के बारे में भी पूछ सकता है। नेशनल इनकम क्या है, इट रेफर्स टू द एग्रीगेट इनकम दैट इज अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेगा, जीडीपी से पूछ सकता है, जीएनपी से पूछ सकता है, पहला होता है जीडीपी, दूसरा होता है जीएनपी, तीसरा होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, चौथा होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, पांचवा होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम,
छठा होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सातवां होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आठवां होता है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नाइन्थ होता है प्राइवेट इनकम, दसवां होता है पर्सनल इनकम, ग्यारहवां होता है डिस्पोजेबल इनकम, क्लियर, और बारहवां होता है रियल इनकम, क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, बाद में हम डिटेल में जाएंगे इसके। टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम आएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और क्या आएगा, रियल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का अगर हम बात करें तो तीन तरह से हम लोग मेजर करते हैं, जनरली इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड में क्या क्या आएगा, जैसे रेंट हो गया, वेजेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब चीज आएगा। प्रोडक्ट मेथड्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, एलाइड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस बैंकिंग हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा प्रोडक्ट के अंदर। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या आएगा, हियर नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एग्रीगेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी इन ए पार्टिकुलर ईयर। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेगा। पर्सनल कंजम्पशन मेथड हो गया, नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया और गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। चार कंपोनेंट में डिवाइड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, पर्सनल कंजम्पशन मेथड, नेट ऑफ एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच मनी सप्लाई एक्सीड्स द इंडिविजुअल अवेलेबल प्रोडक्ट्स, क्लियर। इट डज नॉट ओनली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन और टू गुड्स बट इट इज द अपवर्ड ट्रेंड इन जनरल प्राइस लेवल। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का बात अगर हम करें तो कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज के बेस पर देखें तो क्रेडिट इन्फ्लेशन होता है, करेंसी इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है और डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है, क्लियर। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कॉज के बेसिस पर देखें तो क्या क्या होता है बताओ, क्रेडिट इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, क्लियर। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन दो तरीका का होता है, इंटेंसिटी के बेस पे क्या क्या बोला मैंने याद रखना है आपको, हाइपर इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का बात करें हम तो कितने तरह का, दो तरह का होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या आएगा, एग्रीकल्चर लेबरर्स आएगा, CPI फॉर इंडस्ट्री वर्कर्स आएगा, CPI फॉर रूरल लेबरर्स आएगा, CPI फॉर ऑल इंडिया आएगा, क्लियर। और फ्रेंड्स उसके बाद बिजनेस एथिक्स दिया हुआ है, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स क्या है यहाँ पे, दीज आर द मोरल गाइडलाइन दैट आर बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नाउअडेज बिजनेस एथिक्स आर गिवन मच इम्पोर्टेंस, इट इंश्योर दैट बिजनेस शुड gain profit without affecting society as a whole. Business ethics is comprised of various ethical principles that include honesty, integrity, respect, loyalty, etc. Clear? Features of business ethics. Question अगर आपसे पूछेगा नेट के अंदर तो कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ सकता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का बात करें, बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, voluntary, प्रोटेक्शन, सर्विस, मोटिव, मेन मेन फीचर होता है। क्या फीचर होता है लिख लेना है आपको, नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू, कोड ऑफ कंडक्ट, वॉलंटरी, प्रोटेक्शन, सर्विस, मोटिव। उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस, बिजनेस के लिए एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छपेगा, आएगा, इस बार ही पूछेगा। सो क्या होगा, पहला टेलियोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, दूसरा होता है डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, तीसरा होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, चौथा होता है हाइब्रिड थ्योरी। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो फिर आने का संभावना है आपके एग्जाम्स में, अपकमिंग नेट के एग्जाम्स में। तो एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, पहला होता है टेलियोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, दूसरा होता है डियोन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, तीसरा होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, चौथा होता है हाइब्रिड थ्योरी, क्लियर।
उसके बाद कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट CSR जिसको बोलते हैं रेफर्स टू द गो बियॉन्ड द लॉज रिक्वायरमेंट इन कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. इट इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड कस्टमर्स एम्प्लॉइज सप्लायर्स एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स CSR रेफर्स टू द कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स. CSR इनिशिएटिव्स बाय इंडियन कॉरपोरेशन इंक्लूड डाबर इंडिया, एयरसेल, मारुति सुजुकी इंडिया एक्सेट्रा. क्लियर. उसके बाद फीचर्स ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आएगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एनर्जी इन प्रोडक्शन आएगा, ऑफ होल्डिंग ह्यूमन राइट्स गोल्स आएगा, कस्टमर एम्प्लॉयर एंड कम्युनिटी रिलेशंस आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस आएगा. ठीक है, डायमेंशन ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें तो ग्रेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी होगा, लेस वोलेटाइल स्टॉक वैल्यू होगा, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस होगा, इंक्रीज इम्प्लॉई रिटेंशन होगा, इंक्रीज इम्प्लॉई लॉयल्टी होगा, इंक्रीज ब्रांड इमेज होगा. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन का अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे मनी सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट थ्रू बिजनेस प्रोसेस सच एज नॉलेज इनोवेशन आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा, एस्टेट सब्सिडरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, स्टॉक एक्सचेंजिंग एक्टिविटीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा. ठीक है, मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कॉरपोरेशन का बात करें तो इसमें आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स रिसोर्सेज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफरिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कॉरपोरेशन का अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर होगा, इको एफिशिएंसी होगा, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, वाटर एंड सोइल कंटामिनेशन होगा. क्लियर. उसके बाद फ्रेंड्स एथिकल इशूज एंड डायलेमा, ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. एथिकल इशूज एंड डायलेमा का अगर हम बात करें सो एन एथिकल इशू इज ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स ए ग्रुप और एन इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस अमॉन्ग सेवरल एक्शंस दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड रिगार्डिंग व्हाट इज एथिकल और अनएथिकल. एथिकल डायलेमा इज ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू चूज सेलेक्ट अमॉन्ग वेरियस अनएथिकल एक्शन. क्लियर. कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है. कैटेगरीज ऑफ एथिकल डायलेमा एंड इशूज, क्या क्या कैटेगरीज है एथिकल डायलेमा का और इशूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. पहला पॉइंट याद रखना है मिसयूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेस, दूसरा है एब्यूसिव बिहेवियर, तीसरा है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चौथा है डिस्क्रिमिनेशन, पांचवा है इन्वायरमेंटल इशूज, छठा है फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, सातवां है प्राइवेसी इशूज, आठवां है डिसऑनेस्ट कलीग्स, नौवां है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, दसवां है कंफ्लिक्ट विथ सर्विस स्टैंडर्ड्स, इलेवेंथ है लाइंग बाई कमीशन, लाइंग बाई ओमिशन, ग्यारहवां है ब्रेवरी, बारहवां है सेक्सुअल हरासमेंट. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एथिकल डायलेमा एंड इशूज जो जनरली हम लोग को देखने को मिलता है. और उसके बाद एकदम छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कॉरपोरेट गवर्नेंस. कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? सो फ्रेंड्स कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर विच इंक्लूड सप्लायर, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा. इट इज कंसर्न विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर इन कॉरपोरेट एंटिटीज. इट इज बियॉन्ड द रियलम ऑफ लॉज एंड इट डील्स विद द कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंटरप्राइज सच दैट देयर इज ए फेयरनेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स. कॉरपोरेट गवर्नेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज. यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस प्लेज कहाँ पे करता है इंपॉर्टेंट रोल, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज. ठीक है, उसके बाद नीड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस, क्या हम लोग क्यों जरूरत है कॉरपोरेट गवर्नेंस को के लिए, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों चाहिए हम लोग को, नीड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाई फार्म वैल्यूएशन, एक्सेस एक्सटर्नल फाइनेंस और रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉरपोरेट स्कैंडल. ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस का अगर हम बात करें सो कॉरपोरेट गवर्नेंस
किसमें रोल करता है? इट इंश्योर द एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इंश्योर द इजी एक्सेस टू द कैपिटल, इट हेल्प्स द रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ए गुड रेपर्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू विच अल्टीमेटली अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन, इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर टू रिमेन फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये बातें सब याद रखना है आपको, रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर हम बात करें तो क्या क्या मेन मेन प्रिंसिपल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रिंसिपल के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल कौन कौन से है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और चौथा है कंप्लायंस ऑफ लॉ। गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या आएगा? अंडरस्टूड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, प्रॉपरली डिफाइन द रूल्स एंड अथॉरिटीज, वेल स्ट्रक्चर बोर्ड, अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ स्किल्स। उसके बाद फ्रेंड्स, एकदम लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस दैट लिंक्स और कनेक्ट्स द स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशनल प्रोसेस टू द एंड ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू। इट इज ए फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दैट इट इज इंटेंडेड टू शो द फाइनेंशियल मैनेजर्स वेयर एंड वेन द वैल्यू इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेन वैल्यू क्रिएशन क्या है? द रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द मार्केट प्रॉफिट। और दूसरा होता है बिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है, यहाँ से भी एग्जाम्स में आपसे पूछेगा, याद रखना है फ्रेंड्स। RTS का मतलब होता है रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, DCF का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, EVA का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, CFROI का मतलब होता है कैश फ्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है नेट के एग्जाम में, तो यहाँ से ध्यान से इसको देख लेना है। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है परफॉर्म बेटर देन द पीयर्स, एग्जीक्यूटिव्स हाईली रिवार्डेड, हाई रिटर्न, वैल्यू क्रिएशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद चैलेंजेज ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का बात करें कि क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेज है। सो सबसे पहला चैलेंज है टेक्निकल, दूसरा चैलेंज है बिहेवियरल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल और चौथा है मैनेजेरियल। क्लियर? और एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो तीन एलिमेंट्स होता है इसका, क्रिएटिंग वैल्यू, मैनेजिंग फॉर वैल्यू और तीसरा मेजरिंग वैल्यू। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है? क्रिएटिंग वैल्यू, मैनेजिंग फॉर वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू। बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या क्या इसका बेनिफिट्स हो सकता है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स, इंक्रीज कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंट्स फ्रॉम अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इंक्रीज वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट, प्रिवेंट्स फ्रॉम टेक ओवर्स, इम्प्रूव्स इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर स्ट्रेटजी, मैक्सिमाइज द वैल्यू क्रिएशन कंसिस्टेंटली, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इम्प्रूवमेंट इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और हेल्प टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी द एंड रिस्क। क्लियर? तो बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ट मैनेजमेंट, इसका बेनिफिट्स भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स में। सो आई होप मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में फर्स्ट यूनिट का जो भी मैनेजमेंट का 17 कोड था उसके अंदर फर्स्ट यूनिट के बारे में हमने पूरा ही डिस्कस किया, आपको लास्ट तक किया, फर्स्ट यूनिट पूरा हम इसमें कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को फ्रेंड्स जितना बार सुनेंगे, आप रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, 100% कुछ ना कुछ बात आपको याद रहेगा। बुक्स और रिसोर्स सबके पास है फ्रेंड्स, लेकिन सबको ये पता नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा और कहाँ से आएगा। सो हमने बीच बीच में जहाँ जहाँ पे बोला हुआ है कि ये नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से है, सो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि नहीं, इस वीडियो के हेल्प से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, या सर से बात करके कुछ सपोर्ट मिल सकता है, या इसके लिए हम कैसे तैयारी करें, कुछ भी आपके मन में डाउट है, आप हमको बेहिजक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल एट एनी टाइम। माय कॉन्टेक्ट नंबर राइट डाउन, नोट डाउन, 8399450005। अगेन आई एम रिपीटिंग, आवर मोबाइल नंबर 8399450005।
45005। ठीक है, कोई भी आपको हेजिटेशन है, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपको मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमको कॉल कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, टिल नाउ नियर अबाउट मोर देन 200 स्टूडेंट्स क्लियर नेट स्लेट सीटेट एग्जाम्स अंडर मी। ठीक है, सो 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ नेट के लिए, मैं खुद PhD कर रहा हूँ अभी, फाइनल होने वाला है, कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, आपको बेस्ट हम गाइडेंस देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से इससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्लियर, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सर से बेनिफिट मिल सकता है, सो आप यू कैन कॉल एनी टाइम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।